तेरे से प्यार कर रहा था वो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चले इसी शुभकामना के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और मेरे गांव का नाम है उद्यान गांव, जो कि रुद्रपुरा जिले में त्रिवाड़ मार्केट के आसपास पड़ता है। आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हो गई है कि हमारी बारी आज फिर से बंदरों को भगाने के। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है तो आप देख लेना, आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आज फिर से हमारी बंदरों की फाट है, बंदरों को भगाने की बारी है। यहाँ पर ये सारी महिलाएं काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हौज का निर्माण किया जा रहा है। मेरे साथ ये भाई जी हैं दोनों के दोनों। आज देखते हैं हमें बंदर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। पिछले वाले ब्लॉग में मिले थे, पर उतने आप उन्होंने नहीं निकाली थी, क्या पता आज आप बता जाइए। हमारी ड्यूटी ये है कि हमको यहाँ पर बैठ के बंदर को देखना है, क्योंकि बंदर ना इस वाली पहाड़ी पर हैं, सभी के सभी जो बंदर हैं। और जो ये महिलाएं हैं वो आगे के साइड जा रही हैं। हाँ, तो जिस लोकेशन पर अभी हम यहाँ पर बंदर को देख रहे हैं, वहाँ का नाम है मांडवी, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। सामने से ये देख लो, ये वाला एरिया है मांडवी। यहाँ ना गाय भी चरने के लिए आ रखे हैं, अभी नज़र नहीं आ रही हैं यहाँ से, पर आ रखे हैं गाय चरने के लिए। हमको ना बंदरों को नीचे नहीं आने देना है, क्योंकि नीचे जो है खेत हैं लोगों के, और एक बार अगर नीचे आ गए तो इतनी आफत मोल लेनी पड़ेगी, क्या ही बताऊँ, तब बहुत ज़्यादा आफत आ जाएगी। इस वाले पहाड़ी पर इतनी ज़्यादा खुदाई हो रखी है, ये देख लो जो पेड़ की जड़ें हैं ना वो बाहर तक आ रखे हैं। थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं। अबे यार, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है शायद। ओ भाई साहब, ये देख लो इतनी जड़ें हैं, और मेरे ठीक ऊपर ना बड़ा सा पेड़ है, अगर एक भी पत्थर गिरा तो टाई टाई फिस हो जाएगा। हाँ, तो एक्चुअल में ना जो ये वाली पहाड़ है, ये वाला जंगल है, चाहे आप किसी भी जंगल को देख लो, यहाँ पेड़ काफ़ी घने हैं और बहुत ज़्यादा पेड़ है यहाँ, इसीलिए तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो बाहर दिख रही है। ये देख लो, ये सड़क है, सड़क के किनारे पेड़, सड़क के दूसरी साइड भी पेड़, हर जगह पेड़ ही पेड़, पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है हमारे गांव के एरिया में, बहुत सारे पेड़ हैं। मुझे इस चीज़ को देखकर काफ़ी खुशी होती है कि हमारे गांव में ना पेड़ काफ़ी हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, तो अच्छा लगता है। ये देख लो, पूरा पेड़ों से भरा भाई पूरा। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम कुछ ऐसा है कि धूप लगी है प्यारी वाली, पर दिन के टाइम काफ़ी गर्मी होगी। मौसम एकदम क्लियर है, क्लियर, कहीं भी आप देख लो कहीं कहीं पर लगे हैं हल्के हल्के बादल, वरना पूरा मौसम जो है वो एकदम क्लियर है, धूप भी अच्छी वाली लगी है, पर थोड़ी देर में गर्मी होने वाली है। अगर गर्मी बढ़ जाएगी तो हमारा प्लान हौज में नहाने का भी हो सकता है। बंदरों को देखने इस साइड जा रहे हैं, क्योंकि इस साइड तो बंदर है नहीं, है भी तो काफ़ी ऊपर है, इस साइड हमें अब जाना है, क्योंकि जो हमारे साथ की महिलाएं थी ना उन्होंने कहा कि बंदर आ गए उस साइड। यहाँ पर बैठने के लिए मस्त है यार, एकदम गजब। और सामने आपको जो गांव दिख रहा होगा उसका नाम है बांसिल, बांसिल गाँव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, हमारे गाँव का 10%, हाँ इतना ही गाँव होगा, छोटा सा गाँव। इन ताऊ जी को देखो कितनी खतरनाक पहाड़ी पर ये ऊपर जा रहे हैं भाई साहब, घास के लिए जा रहे हैं भाई वो, और कितने ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जुनून देखो यार इनका। चलो वो तो छोड़ो, पर सामने पर आप पॉली हाउस देखो, यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर ना जो ये गांव है, इस गांव के लोग ना साग सब्जी उगाते हैं और बेचते भी हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बिजनेस है गांव में, बहुत ही अच्छा। एक्चुअल में अगर हम कुछ करने लग गए तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे अगर हम गांव में साग सब्जी उगाने लग गए, फल फ्रूट्स, तो हो सकता है, पर कोई करना नहीं चाहता ना, मेहनत करने लगे तो बहुत कुछ होता है, पर कोई नहीं करना चाहता, मेन प्रॉब्लम तो यही है। जबकि अगर मेहनत करके ये देखो इतनी कुछ फसल हो सकती है, साग सब्जी बहुत कुछ हो सकता है यार। और जो ये पिलर है ये मस्त जुगाड़ है हमको बैठने के लिए भी, गाड़ियों को खतरे से भी बचाने के लिए है, मस्त है ये। पर ये इतना गर्म है ना,
पूरे हाफ पेड़ जल रहे हैं इसमें। गाइस अभी मुझे यहाँ पर ना एक जहाज मिल चुका है, वो बड़ा वाला नहीं, ये कागज़ वाला। तो अब मैं इसको उड़ाऊँगा। इस जहाज़ को देख कर ना बचपन याद आ गया, क्योंकि बचपन में हम इतने जहाज़ उड़ाया करते थे, जो अपनी कॉपी किताब थी उसको फाड़ा करते थे, फिर फाड़ा करते थे और दिन भर जहाज़ बनाने में लगे रहते थे कि मेरा जहाज़ इतना दूर जाएगा, इतना दूर जाएगा। तो जहाज़ हमने काफ़ी उड़ा रखे हैं, चलो आज उड़ा के देखते हैं। तो गाइस अब जो ये जहाज़ है एकदम रेडी है उड़ने के लिए, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उड़ जाएगी। चलो देखते हैं उड़ती है कि नहीं। ओ भाई, तो गाइस ओ भाई, अरे ओ भाई, तो यहाँ तक गई है वो जहाज आगे। आप कमेंट में बताना आप में से किस किस ने उड़ा रखे है। वैसे तो सब ने उड़ा रखी होगी आज, आज यहाँ तक गई थी वो। जब हम बंदरों को भगाने के लिए आए रखे हैं तो साथ में हम यहाँ नहा भी लेते हैं। हम आ गए हैं अब हौज में। यहाँ पीछे आपको हौज दिख रहा होगा छोटा सा, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और इस वाले हौज में भी मैं आ रखा हूँ, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा जब मैं अकेले नहाया था, और आपको मेरे स्टंट भी पसंद आए होंगे। चलिए तो अब आपको सीधे नहाने के बाद मिलते हैं। फिलहाल हम नहा के घर जा रहे हैं, क्योंकि हमने खाना खाने भी जाना है और उसके बाद दूसरा राउंड यानी दूसरा चक्कर फिर आना है यहाँ देखने के लिए, बंदरों को देखने के लिए। जिस टाइम पर हम खाना खाने जा रहे हैं ना, उस टाइम पर नहीं आने चाहिए यार, क्योंकि तब आप बताती है ना जबरदस्त वाले हैं। सामने पर दादाजी भी अपने बैलों को चरा के लेके आ गए हैं, साथ में छोटी सी लकड़ी की गठरी भी। अच्छा बंदर, हाँ बंदर हाँ भाई चल रही जान। अभी जो ये वाला बेल है ना, ये मेरी तरफ आ रहा था मारने के लिए, नहीं आ रहा था पर मुझको लगा मारने के लिए आ रहा हूँ। हाँ तो दादाजी पता क्या बोल रहे हैं कि ऐसा बोल मेरे से प्यार कर रहा था वो, तो मारने के लिए तो नहीं आ रहा था बट मेरी तरफ आ रहा था, मुझे लगा मारने के लिए आ रहा है। तो मुझे टूटू इमू भाई, देखो पूरा रास्ता ना नीचे चले गया भाई, सब ज़्यादा बारिश होने का नतीजा। अब दूसरी बार हम बंदरों को देखने के लिए आ गए हैं। एक बार हम सुबह आ रखे थे जो कि आपने देखा होगा, और अब हम शाम के टाइम आ गए हैं। चाहे बंदर हो या ना हो पर देखना तो पड़ता ही है, अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरी तरह से निभाना है। मेरे साथ ये दोस्त है, इनमें एक भाई सुबह भी आ रखा था और जो ये पीछे वाला है ये नहीं आ रखा था। सुबह इसकी दादी जी आ रखी थी तो इस टाइम ये आ गया, पर ज़्यादा सुकून ना इस टाइम मिल रहा है। पूरी जो धूप है वो यहाँ से लेकर वहाँ चली गई, अब उस वाले एरिया में है, इस वाले एरिया में धूप है ही नहीं। इस वाले टाइम काफ़ी सुकून मिल रहा है और हवा भी चल रही है हल्के हल्के मस्त मस्त। कल के ब्लॉग में जो क्वेश्चन आयुष भाई ने पूछा था, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें वजन का मात्रक भी आता है जैसे किलोग्राम और सब्जी भी आती है, तो उस क्वेश्चन का आंसर था किलो। अब कैसे, अगर आप किलो करोगे तो वजन का मात्रक किलो आ गया, जैसे 1 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसा, और उसको उल्टा करोगे लौकी तो सब्जी आ गई ना लौकी। पर जो ये क्वेश्चन है ना उसने ढंग से नहीं पूछा था मेरे हिसाब से, ना ये क्वेश्चन सही नहीं है, पर उसके हिसाब से सही होगा, मैं उसके हिसाब से आंसर बता रहा हूँ। पर रियल में ये क्वेश्चन ना गलत है, कैसे, क्योंकि जो लौकी होती है उसमें 2 मात्रा होती है लौकी, और उसने कहा किलो, किलो का उल्टा करो लौकी, लौकी हो गया वो लौकी, लौकी वो भी उल्टा सुलटा हो गया, पर उसके हिसाब से सही होगा। ये उसका कुछ आंसर था जो भी गलत है, मेरे हिसाब से तो पूरा गलत है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो यहीं पर आज के ब्लॉग की एंडिंग कर ही देते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पर जो उस आज भाई का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन तो सही होगा, पर उसका आंसर जो उसने मुझे बताया वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लौकी जो होती है ना उसमें 2 मात्रा आती है, फिर भी वो कुछ गलत है। पर मैंने कल इस क्वेश्चन पर ना गौर भी नहीं किया ढंग से, मैंने सोचा हाँ जल्दबाजी में हाँ सही होगा, जब ढंग से सोचा गौर किया क्वेश्चन तो सही होगा, पर मेरे हिसाब से उसका आंसर जो उसने बताया वो गलत।